बोल रहे हैं, सुनते हो। सामाजिक विषमता के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में उस विषमता को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जड़मूल से उखाड़ देने वाले ऐसे प्रावधान करके वो गए और ये इशारा देकर भी गए कि सामाजिक दृष्टि से उस विषमता को हमको समाप्त करना ही होगा, पर ये प्रावधान पूर्ण तरह फली फूले। डॉक्टर हेडगेवार के भी जन्म जयंती का 125वां वर्ष पिछले साल समाप्त हो गया। संपूर्ण हिंदू समाज के मन से भेद और स्वार्थ निकालकर जिसको अभी कहा गया डॉक्टर कलाम के शब्दों में ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर उसमें उत्पन्न करने वाली एक यशस्वी कार्य पद्धति देकर हो गए। उस कार्य पद्धति से उस ध्येय को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां तैयार हुई। उस कार्य पद्धति के जानकार ऐसे संघ के तृतीय सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहब देवरस की जन्म जयंती का वर्ष आने वाला है, शुरू हो गया। उसी कार्य पद्धति में जिन्हें तैयार हुए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने अपने युगानुकूल मूल्यों के आधार पर भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में एक नई दृष्टि एकात्म मानव दर्शन के रूप में हम सबको दी, उनका जन्म जयंती वर्ष और उनके उस एकात्म मानव दर्शन का 50वां वर्ष संपन्न हो रहा है। और संयोग ऐसा है कि अगर प्राचीन समय में जाते हैं तो दक्षिण में राज्य चलाने का सुशासन का आदर्श प्रस्थापित कर अपने मंगलमयी भारतीय संस्कृति की पताका देश विदेश में फहराने वाले राजा राजेश्वर राजेंद्र चोल के राज्यारोहण का 1000वां वर्ष मन रहा है और आने वाले वर्ष में मन के सारे भेदभावों को दूर हटाकर आध्यात्मिक उपासना का भक्ति मार्ग जनसामान्य के लिए खुला करने कर देने वाले और अपनी आकाशगंगा जैसी दैदीप्यमान शिष्य परंपरा के द्वारा उस समतावादी भक्ति आंदोलन का सारे भारत में और सूत्रपात करने वाले रामानुजाचार्य की भी 1000वीं जन्म जयंती चलने वाली है। डॉक्टर अब्दुल कलाम अभी अभी हमें छोड़ गए, उनके आखिरी भाषण में उन्होंने क्या कहा था वो आपको प्रमुख अतिथि जी ने बताया। देश की नई पीढ़ी में इस भावना को एक मिशन के रूप में प्रज्वलित करने के लिए जीवन भर वो खटते रहे, उन्होंने पूरा जीवन इसमें लगा दिया। और अभी अभी निवर्तमान हुए स्वामी दयानंद जी सरस्वती, एक बार वो इस विजय दशमी उत्सव के भी अतिथि रह चुके हैं। अपने सनातन संस्कृति के मूल्यों को आधुनिक समय के अनुसार पुनर्व्याख्यायित करते हुए संपूर्ण समाज में उसके प्रति गौरव वृद्धि और उसको जीने के लिए और उसको सरसाने के लिए सक्रियता उत्पन्न करने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। इन सब संयोगों का स्मरण करते हुए ये भी ध्यान में आता है कि कश्मीर में आचार्य अभिनव गुप्त शैव सिद्धांत के महान आचार्य मूर्धन्य आचार्य, जो सबके अंदर के शिवत्व को देखना उसकी उपासना करना सिखाता है, और उसी प्रकार फलाशा विरहित समत्व की दृष्टि रखकर समत्व की वृत्ति रखकर निष्काम कर्म का कुशलता पूर्वक कर्म का संदेश देने वाली भगवद गीता, उसका 5191वां वर्ष है। ये जो सारे संयोग स्मरण में आ रहे हैं क्योंकि ये सारे संयोग एक ही संदेश देते हैं, स्वस्थ समरस
भारतीय समाज और दुनिया भर में भारत माता की जय जयकार। और इसलिए आज के उत्सव में हमारे सामने विचारणीय विषय यही है, अपने मर्यादित समय में भी बहुत उत्तम प्रकार से, और हमारे प्रमुख अतिथि जी ने भी आपके सामने विचारार्थ वही रहा विषय रखा है। वो विषय है कि हम अपने इस भारतवर्ष को दुनिया का सिरमौर देश बनाने वाला समाज कैसे उत्पन्न करें। और इस दृष्टि से जब आज की परिस्थिति को देखते हैं तो कुछ शुभ संकेत हमको मिलते हैं, उनका अनुभव करते हुए सबको अच्छा लग रहा है। दो साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी। तो नागपुर में सरसंघ चालक मोहन भागवत स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए और इस बात का जिक्र करते हुए कि आने वाले वक्त में भारत को दुनिया का सिरमौर देश बनाना है और इसके सुशुभ संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं। वक्त ब्रेक का, जल्द वापस। प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करें, सुनिए। हैव टू डिसइंटीग्रेट बॉन्ड्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रेस हैव टू बर्स्ट एंड लार्ज नंबर्स ऑफ पर्संस हु कैनॉट कीप अप विद द प्रोग्रेस हैव टू हैव देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए कंफर्टेबल लाइफ फ्रस्ट्रेटेड। बॉन्ड्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रेस हैव टू बर्स्ट and large numbers of persons who cannot keep up with the progress have to have their expectations of a comfortable life frustrated. Very few communities are willing to pay the full price of economic progress. अब आर्थिक प्रगति के कीमत की ये जो अपेक्षा की थी वो कितनी संवेदनशून्य है। तत्वज्ञान समाप्त हो जाएंगे, जो नहीं आ सकते उनको दुख में रहना पड़ेगा, निराशा में रहना पड़ेगा, ऐसी बात कौन कर सकता है जिसके मन में संवेदना नहीं है, जो अहंकार से प्रेरित है। हमारे यहां ऐसा कभी नहीं कहा गया, हमारे यहां सर्वे भी सुखद संतु कहा गया, सबका क्षेम हो यह कहा गया, लेकिन यह दृष्टि दुनिया की नहीं थी। और इसलिए उन्होंने ऐसा एक तंत्र जो सब जगह चल सकता है और सब जगह यशस्वी होगा ऐसा मानकर उसको थोपा, लेकिन उसके अनुभव उनको भी प्राप्त हुए और वो अनुभव लेने के बाद उनकी भाषा एकदम बदल गई। 2005 में G20 राष्ट्रों के जो केंद्रीय अधिकोषों के गवर्नर थे उनका एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने कहा, वी नोट दैट डेवलपमेंट अप्रोचेस आर इवॉल्विंग ओवर टाइम and thus need to be updated as economic challenges unfold. We recognize there is no uniform development approach that fits all the countries. Each country should be able to choose the development approaches and policies that best suit its specific characteristics while benefiting from their accumulated experience in policy making over last decades, including the importance of strong macroeconomic policies for sustained growth. राष्ट्रों की विशिष्टताओं का भान तब आया उनको और यह ध्यान में आया कि सारी विविधताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और बाद में 2008 में अधिक स्पष्टता के साथ इसी बात को दोहराते हुए विश्व बैंक का समाचार बुलेटिन कहता है, इन अवर वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड वी हैव लर्न the hard way that there is no one model that fits all. Development is all about transformation. It means taking the best ideas, testing them in new situations and throwing away what doesn't work. It means above all having the ability to recognize when we have failed. This is never an easy thing to do. It is ever more difficult for an organization to do so, be it the government or the World Bank, which constantly need to adapt to the changing nature of the developmental challenge. ये भान अभी उनको आया है, उनके इतिहास पुराने नहीं है, उनके राष्ट्रीय अनुभव पुराने नहीं है। हजार साल से ऊपर किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का इतिहास जाता नहीं।
अभी वो प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रयोग करते हैं यशस्वी हुआ तो कायम करते हैं, नहीं हुआ तो फेंक देते हैं दूसरा। प्रयोग अनुभव परिवर्तन, प्रयोग अनुभव परिवर्तन, ऐसे चक्र में से वो जा रहे हैं। हमको ये प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास अपने परंपरा के ऐसे कई मॉडल्स हैं जिन्होंने विश्व के साथ संपूर्ण संतुलन बनाकर राष्ट्र का विकास, उसके साथ विश्व में योगदान, ये संतुलन कायम रखने वाला मॉडल दिया था। टाइम टेस्टेड अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे हमारे पास प्रतिमानक है, हम इनका अंधानुकरण क्यों करें? हमारी परंपरा कहती है सारे विश्व से जो अच्छा मिलता है वे ले लो, सारे विश्व से अच्छे विचार हमारे पास आए, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वसा, हम भी ऐसा करें, सारे विश्व से जो कुछ आता है उसमें परीक्षा करें, जो अच्छा है वो स्वीकार करें, लेकिन हम अपने विकास के प्रतिमानक की स्थापना अपने मूल्यों के, शाश्वत मूल्यों के आधार पर करें। उन शाश्वत मूल्यों का भान ये ठोकर लगने के बाद दुनिया को आ रहा है, पहले ये बातें नहीं थी। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स नहीं थे, ये भाषा बाद में आ गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट का ध्यान रखो, पर्यावरण का ध्यान रखो, ये सारी बातें अभी अभी भाषा में आ रही है। हमारे यहां तो परंपरा में ये सारी बातें हैं। हम अपना मानक विकास करें, और अपना मानक विकास करने के लिए हम जब बढ़ते हैं तब और एक आनंद की बात हमको ध्यान में रख मिलती है। नीति आयोग का जो घोषणा पत्र है उसमें इन सारी बातों का उल्लेख है, और अभी भी नीति आयोग के सदस्य अपने प्रमुख अतिथि महोदय ने जो कहा उनमें भी उन्हीं विचारों का प्रतिबिंब मिलता है। ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको इस हमारी विचारधारा को समझ लेना पड़ेगा। विकास की कल्पना क्या है? हमारी विकास की कल्पना संघर्ष से नहीं निकलती, वो समन्वय आधारित है, क्योंकि विविधता में एकता तो हमने देख लिया है। सारी विविधताएं एक ही बात के रूप है, एकता के ही रूप है, इसको हम जानते हैं, और इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर हम विश्वास नहीं करते, हम समन्वय से चलते हैं, सहयोग से चलते हैं। अर्थ काम पर जीवन समाप्त नहीं होता, केवल भौतिक विकास विकसित नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का उल्लेख किया, अध्यात्म आधारित सारी बातें हैं, क्योंकि आत्मा एक नाम हमने दिया है, अनेक नाम है, उसमें एक नाम आत्मा भी है, उस एकता का सारा विश्व जिसकी अभिव्यक्ति मात्र है विविधता भूपण, उसके आधार पर हम विचार करते हैं, और इसलिए अर्थ कामों को धर्म से अनुशासित बनाकर चलाते हैं। धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं है, पूजा पद्धति तो अपनी आध्यात्मिक उपासना का एक रास्ता है, एक संप्रदाय है, एक पंथ है, लेकिन अपने देश के सारे पंथ संप्रदाय अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य को मानकर चलने वाले हैं, संपूर्ण मानव जाति के हित की कामना करते हैं, और संपूर्ण मानव जाति की बात करते समय उनकी सारी विविधताओं का स्वीकार करके चलते, सम्मान करके चलते। यह अनुशासन सिखाने वाला जो है जीवन का तरीका, जो सबको जोड़ता है, सबको ऊपर उठाता है, किसी को गिराता नहीं, किसी को बिखरने नहीं देता, उसको हमारे यहां धर्म कहा है, जो इस लोक में और परलोक में भी सुख की प्राप्ति करा देता है। उस धर्म से अर्थ कामों को अनुशासित करके चलाना पड़ेगा, और इसलिए शायद प्रमुख अतिथि महोदय ने हमको अपने उपभोगों का संयम करना पड़ेगा यह वाक्य कहा है, क्योंकि धर्म से ही त्याग संयम आते हैं, धर्म से ही सृष्टि के प्रति कृतज्ञता आती है। इस हमारी दृष्टि को हम समझें, वो चलती है संस्कार, नैतिकता और कर्तव्य बोध के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर, थियोरीज के आधार पर, कोरे तर्कों के आधार पर नहीं चलती, उसमें सहृदयता होती है, इसलिए वो संस्कार के आधार पर चलती है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कर्तव्य बोध के जागृति के आधार पर चलती है।
वो हमेशा धारणक्षम विकास की ही बात करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात उसमें है, दूसरी नहीं है। ऊर्जा व्यय क्योंकि वो सारा ध्यान रखती है, उसमें ऊर्जा व्यय कम से कम होता है, रोजगार अधिक से अधिक पैदा होता है, पर्यावरण और कृषि को पूरक होने वाला उद्योग का और अर्थ का स्वावलंबी और स्वाभाविक दृष्टि से विविधता का सम्मान होने के नाते विकेंद्रित तंत्र वो मानती है। वो मनुष्यों को उत्पादन वृद्धि और कुशलता का विकास करना सिखाती है। उसका प्रमाण क्या है? उस विकास का ये आंकड़े प्रमाण नहीं होते। देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम आदमी उस अंत्योदय को साधना, ये उसका प्रमाण होता है। और इसलिए हमको अपनी दृष्टि के आधार पर जो मानक हम बनाएंगे उसमें अपने देश के किसान और कृषि मजदूर वर्ग, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कारीगर और सहकार क्षेत्र, इस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। वो अपने राष्ट्र के सकल उत्पाद के भी और भावी स्वतंत्र स्वावलंबी मॉडल के भी मुख्य आधार बनने वाले हैं, उन पर हमको जोर देना पड़ेगा। और जोर देना पड़ेगा हमको, यानी ये केवल भाषण में होके नहीं चलेगा, नीतिकार हमारे देश के उनको भी उसका ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, चिंतकों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, शासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। केंद्र सरकार की तारीफ करने के साथ ही देश के बदलते माहौल का जिक्र भी किया, साथ ही कहा विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है जो देश को आगे ले जाने के संकेत दे रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, कर रहे हैं। होता है जब कानून बन रहे देश हित में है, हम सबको पालन करने, ऐसा मन समाज का बनता है। समाज का प्रबोधन भी करना पड़ेगा, मन भी बनाना पड़ेगा। बिना मन बनाए बातें थोपने के बहुत खराब असर होते। अभी ऐसी बहुत बातें कभी कभी ध्यान में आ जाती, हेतु पुरस्कार की जाती है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, हो जाती है ऐसा ही कहूंगा, परंतु ऐसे हुआ। पंथ संप्रदायों की परंपरा है अपने यहां, अनेक पंथ संप्रदाय है, उनकी कितनी परंपराएं हैं अपने देश में। आज के समय में कुछ विचित्र लगती होगी, ये भी होता होगा, सद्भावना से किया जाता होगा, लेकिन बिना मन बनाए किया जाता है तो मन को ठेस पहुंचती है। सारे विकास का आधार जो समाज की एकात्मता है, एक दिशा में चलना है तो एक होना पड़ेगा ना, उस एकात्मता को ठेस पहुंचती है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे देश में पोथी निष्ठता की परंपरा नहीं है। बीच के आक्रमणों के काल में बहुत अस्ताव्यस्तता आ गई, लेकिन हमारे देश के हर पंथ संप्रदाय में हर 50-100-200 वर्षों के पश्चात अपनी परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन करो, देश काल परिस्थिति सुसंगत क्या है सोचो, वैज्ञानिक आधार यानी न्यूटन के तीन नियम, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैज्ञानिक दृष्टि की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर विचार करते हुए अपनी परंपराओं में बदल करना। यह भी पद्धति थी, वो हमारी परंपरा रही है, बीच में अस्ताव्यस्त हो गई, इसलिए आज हम इस हालत में पहुंच गए। हर पंथ संप्रदाय के आचार्य ये सोचते ही होंगे, अपनी अपनी परंपराओं का पुनर्निरीक्षण करके आज के देशकाल और परिस्थिति के अनुसार क्या उपयुक्त है वो रखना, क्या आवश्यक है उसका आग्रह करना, जो अनुपयुक्त है उसको छोड़ना, मूल्यों को कायम रखना, मूल्यों के आधार पर नीति का रूप बदलना। मूल्य सनातन है, कायम रहेंगे, सारे विश्व की धारणा करने वाले वो मूल्य है। सभी के लिए समान नीति का यहां पर समर्थन करते हुए मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।